फ्रेंड्स, मैं मीना बुधिया मीनाज वेज किचन में आज हम पंचभोग की थाली बनाएंगे। इसे जन्माष्टमी पर स्पेशल कान्हा जी के लिए तो बनाया ही जाता है, पर इसे हम कभी भी बना के भोग लगा सकते हैं। ये बनाने में इजी है, उतनी ही टेस्टी भी है। कान्हा जी के भोग में हमेशा तुलसी पत्र रखे जाते हैं, तुलसी पत्र उन्हें बहुत प्रिय है। पंचभोग में पहला भोग धनिया की पंजीरी बनाएंगे। इसके लिए एक पैन में 1 टीस्पून घी डालेंगे, उसमें कटे हुए मखाने डालेंगे, मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए उसे रोस्ट करेंगे। इसे रोस्ट करने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मैं जो भी नया वीडियो डालूंगी वो आपको तुरंत मिलेगा। मखानों को हम दबा के चेक कर लेंगे कि वो अच्छी तरह से क्रिस्प हुए हैं कि नहीं। यहाँ हमारे मखाने अच्छी तरह से क्रिस्प हो गए हैं। इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। आधा कप ग्रेट किया हुआ नारियल लेंगे और इसे भी रोस्ट करेंगे। ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, इसे हम लो फ्लेम में ही रोस्ट करेंगे। इसे लाल नहीं करना है, इसे हल्का ही रोस्ट करना है। इसे भी हम उसी बाउल में निकाल लेंगे। पैन में घी डालेंगे, उसमें 6-7 कटे हुए बादाम, और 6-7 कटे हुए काजू को मध्यम आंच पे कुछ सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे। उसे लगातार चलाते रहेंगे। अब उनका हल्का सा कलर चेंज हो रहा है, तो ये रोस्ट होके तैयार हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। निकाल के उसी बाउल में रखेंगे। धनिया को रोस्ट करने के लिए ज़्यादा घी की ज़रूरत होती है, यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून घी लेंगे। इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, लगातार चलाते हुए मध्यम आंच पर इसे रोस्ट कर लेंगे। कुछ ही देर में इसका कलर चेंज होने लगेगा और इससे एक अच्छी खुशबू आने लगेगी। हम इसे उसी बाउल में निकाल लेंगे। इसे थोड़ा ठंडा करके इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे और ये सारी सामग्री को हम अच्छे से मिला लेंगे। हमारी धनिया की पंजीरी तैयार है। अब हम अपनी अगली रेसिपी नारियल के लड्डू बनाएंगे। इसके लिए हम एक फ्रेश नारियल लेंगे, उसे छील के काट के मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। एक पैन में घी गरम करेंगे, उसमें नारियल डालकर मध्यम आंच में चलाते हुए हम उसे रोस्ट करेंगे। कुछ ही देर रोस्ट करेंगे, उसे कुछ ही देर रोस्ट करेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। इसमें आप चीनी डालकर लगातार चलाते जाएंगे जब तक चीनी पूरी तरह से घुल नहीं जाती है। चीनी के पूरी तरह घुलने तक हमें इसे चलाते रहना है, हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक गर्म नहीं करना है। चीनी को ज़्यादा देर गर्म करने पर चाशनी कड़ी हो जाएगी और हमारे लड्डू भी कड़े बनेंगे। लड्डू बनाने के लिए मिश्रण तैयार है। कभी कभी चीनी अगर मेल्ट नहीं हो रही है तो उस समय हम उसमें थोड़ा पानी या दूध का छींटा दे सकते हैं। नारियल के मिश्रण से हम छोटे छोटे लड्डू तैयार कर लेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ज़रूर करें। लड्डू बनाने के बाद श्रेडेड कोकोनट उसके चारों तरफ लगाएंगे और हमारा लड्डू तैयार है। एक एक करके हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे मैं जो भी नया वीडियो डालूँगी वो आपको तुरंत मिलेगा। सिर्फ 2 सामान से बनने वाले ये नारियल लड्डू बनाने में आसान और टेस्टी भी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर बताएं। अब हम अपनी अगली रेसिपी अजवाइन की पंजीरी बनाएंगे।
अजवाइन को ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लेंगे। एक पैन में घी को गरम करेंगे, उसमें गोंद डाल के अच्छे से रोस्ट करेंगे। गोंद को जब हम रोस्ट करेंगे तो वो पॉपकॉर्न की तरह फूल के अंदर से क्रिस्पी हो जाता है। उसे अच्छे से रोस्ट करने के बाद एक बाउल में निकाल लेंगे। उसी पैन में बादाम और काजू डालकर मध्यम आंच पे रोस्ट करेंगे। हम इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे और कुछ ही देर में इनका कलर चेंज होने लगेगा। काजू और बादाम रोस्ट हो गए हैं, इन्हें भी हम उसी बाउल में निकाल लेंगे। अगर पैन में घी कम है तो हम उसमें घी डालेंगे और उसमें मखाने डालकर मध्यम आंच पर रोस्ट करेंगे। इसे लगातार चलाते हुए अंदर तक क्रिस्पी होने तक रोस्ट करेंगे। इसे हम चेक कर लेंगे, ये अंदर तक क्रिस्पी हो गए हैं, हमारे मखाने तैयार हैं, इन्हें भी हम अब उसी बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने सूखे नारियल को ग्रेट करके लिया है। इसे लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस इसका हल्का सा कलर चेंज होने पर इसे भी हम उसी बाउल में निकाल लेंगे। सारे मेवे रोस्ट करके हमने एक बाउल में इकट्ठे कर लिए हैं। अब इसे ग्राइंड करके हम इसका पाउडर बना लेंगे। हमने इसे दरदरा ही पीसा है, इसमें मेवे के चंक्स भी हैं। एक पैन में घी को गरम करके हमने जो अजवाइन का पाउडर तैयार किया था वो डालेंगे। इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। अब इसका कलर भी चेंज होने लगा है और इससे अच्छी खुशबू भी आने लगी है। हमारी अजवाइन भून के तैयार है, इसे हम एक बाउल में निकाल के ठंडा होने देंगे। एक बड़े बाउल में मेवे का पाउडर और अजवाइन डालेंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तब इसमें हम पिसी हुई चीनी डालेंगे। अब सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूल गए हैं तो ज़रूर कीजिए, इससे मैं जो भी नए वीडियो डालूँगी वो आपको तुरंत मिलेंगे। हमारी थर्ड रेसिपी अजवाइन की पंजीरी तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर बताएं। अब हम कान्हा की सबसे प्रिय रेसिपी माखन मिश्री का भोग बनाएंगे। माखन मिश्री के भोग के लिए हम मिश्री को पहले ग्राइंड कर लेंगे। एक बाउल में वाइट बटर लेंगे, ये अनसॉल्टेड बटर होता है। इसमें ठंडा पानी डालेंगे। मक्खन को चम्मच से दबाते हुए पानी में मिक्स करेंगे। मक्खन के अंदर जो भी खट्टापन और छाछ होती है वो बाहर आ जाती है, उस पानी को निकाल देंगे। जब तक पानी क्लियर नहीं होता हम इसे 2-3 बार ऐसे ही वॉश कर लेंगे। सारा पानी अच्छे से बाहर निकालने के बाद पिसी हुई मिश्री डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिश्री को अच्छे से मिक्स करने के बाद 4-5 तुलसी पत्तों को हाथों से ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के माखन में डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा माखन मिश्री बनके तैयार है। हमारी अगली रेसिपी पंचामृत है, जो अक्सर सभी पूजा में बनाई जाती है। इसके लिए एक बाउल में हम दही लेंगे और उसे चम्मच से अच्छे से फेंट लेंगे। दही हमको ऐसे ही लेना है, हम उसे छान के नहीं लेंगे। इस
इसमें अब दूध डालेंगे। दूध हमें कच्चा ही लेना है, उसे उबाल के नहीं लेना है। इसे भी हम दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद 1/4 टीस्पून घी डालेंगे। यहाँ पे आप घी के बदले गंगा जल भी ले सकते हैं, कई लोग गंगा जल लेते हैं। घी डालने के बाद 1 टीस्पून शहद डालेंगे और हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। 4-5 तुलसी के पत्ते लेंगे और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में हाथ से ही तोड़ लेंगे। तुलसी को पंचामृत में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। काजू, बादाम और अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स लेके हम इसे गार्निश कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालना जरूरी नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो डालें। यहाँ पे हमारी पंचभोग की थाली बनके तैयार है। अब मैं अपनी नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। आप इसे ज़रूर बना के देखें।